इंडियन आईपीएल में सोमवार को 28 सितंबर को दो ऐसे कप्तानों के बीच जंग होगी जिनका भारतीय क्रिकेट में अहम योगदान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुणे की कप्तानी वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चार बार टीम को आईपीएल खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा की कप्तानी वाले मुंबई इंडियन की। दोनों टीमों के बीच ये ऐसा मुकाबला रहेगा जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। मुंबई इंडियंस के इस टूर्नामेंट में शुरुआत हार के साथ हुई थी, जहां टीम को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं उसके उलट विराट कोहली की आरसीबी ने हैदराबाद के खिलाफ जीत से आगाह किया था। जी हां, विराट कोहली के लिए पंजाब के खिलाफ पिछला मैच ऐसा मैच थे वो भूलना चाहेंगे। उन्होंने पहली फील्डिंग में पंजाब के कप्तानी केएल राहुल के दो आसान कैच छोड़ दिए थे, टीम के लिए काफ़ी नुकसान देखना पड़ा था। जी हां, इसके साथ ही इसके बाद ही लक्ष्य का पीछा करते हुए एक रन बनाकर आउट हो गए। इसके टीम को पंजाब के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियन ने चेन्नई के खिलाफ मैच में हार से उभरते हुए दूसरे मैच में केकेआर को 49 रनों से बड़े अंतर से हराया था। टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने असरदार पारी खेली थी। एक नज़र डालते हैं कि इस मैच में दोनों टीमों का खिलाड़ी कौन से रहेंगे। जी हां, आपको बता दें आईपीएल 2020 दिनेश कार्तिक ने केकेआर के तीन ऐसे खिलाड़ियों के नाम जिन्हें वो गणेश रावल, शेयर अय्यर और अश्विनी से बदलना चाहेंगे। जी हां, बात की जाए मुंबई इंडियन के खिलाड़ी तो रोहित शर्मा कप्तान, किवंट डिकॉट, सूर्य यादव, सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या, किवोट पोलार्ड जैसे, राहुल चहर जैसे महान